नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रकाश खत्री और ये है मेरे पापा राणूलाल देव किशन जी खत्री। जिन किसान भाइयों ने स्वाति बीज लगाए हैं उनके अनुभव उनकी जुबानी सुनिए और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी स्वाति सीड चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। राम राम। राम राम। नाम क्या सर आपका? अमृत। अमृत भाई। अमृत भाई भीमा भाई मकवाना। अमृत भाई भीमा भाई मकवाना। गांव? मोरडुंगरा। मोरडुंगरा। तालुको? हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। जिला? साबरकाठा। साबरकाठा। तो सर ये आपने कौन सा भिंडा लगाया है? स्वाति का लगाया है, रोशनी भी आ रहा है। स्वाति का रोशनी, रोशनी भी आ रहा है। तो कितने बीघे में लगाया है सर? एक बीघे में लगाया है। एक बीघे में तुड़ाई कितनी बार हो गई इसमें? तीन चार बार हो गई है। तीन चार बार हो गई है। तो मार्केट में बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो 400 रुपये जाता है 20 किलो। तो मार्केट में बेचने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं बिक जाता है, तुरंत बिक जाता है। बिक जाता है। और क्वालिटी में कैसी है ये? अच्छी है। अच्छी है। और तुड़ाई कितने कितने दिन में आती है ये? एक दिन बाद आ जाती है। एक दिन के बाद आ जाती है। एक दिन बाद आ जाती है। बराबर, यानी चार बार तुड़ाई हो गई है। चार बार हो गई। तो आप देख सकते हैं एक बीघे में लगाए हुए हैं स्वाति का रोशनी। और ये शाम को तुड़ाई होने वाली है ना आपकी? शाम को हो जाएगी ना। शाम को हो जाएगी। बराबर, यानी ये थोड़ी नीचे से ही चालू हो जाती है। हाँ, जो जड़ है वहीं से चालू हो जाती है। आप देख सकते हैं ये नीचे से ही चालू हो जाती है। इसमें फुटान भी आती है। फुटान अच्छी आती है। फुटान अच्छी आ रही है अभी। तो कैसी है भिंडी? एकदम नरम सॉफ्ट है, यानी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार तुड़ाई हो गई इसमें? इसमें तीन बार हो गई, ये चौथी बार तुड़ाई हो जाएगी। यानी नीचे से ही चालू हुई थी। हाँ, चार हो गई और ये तैयार हो गई है। ये पांचवी बार। फिर इसके बाद वो बाजू में भी तैयार हो रही है, यानी ये पास पास लगती है। मतलब जो ये बैठक है वो हर नोट पे पास पास में लग रही है ना? पास ही लग रही है।